हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पूरा परिवार इस संकट में फंस गया था। नौजवान बेटा भी फंस गया था। आइए आगरा के श्रीमान अशोक कपूर के साथ हम बात करते हैं। अशोक जी नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, मेरा सौभाग्य है जी आपसे बात हो रही है। चलिए हमारा भी सौभाग्य है। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पूरा परिवार इस संकट में फंसा था, तो जी। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि देखिए आपको ये समस्या, ये संक्रमण का पता कैसे चला, क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, ताकि मैं आपकी बात सुन करके अगर कोई चीजें देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका जी। उपयोग करूंगा। बिल्कुल सर, ऐसा था कि मेरे दो बेटे हैं, ये इटली गए थे। वहाँ पर फेयर था शूज़ का, हम यहाँ जूते का काम करते हैं जी, फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग का। तो वहाँ गए थे इटली फेयर पे। जब ये वापस आए ना तो हमारा दामाद भी गया था, वो दिल्ली रहते हैं, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो हॉस्पिटल चले गए राम मनोहर लोहिया। तो उन्होंने उनको पॉजिटिव बताया तो उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया सफदरजंग। हमको वहां से फोन आया कि आप भी उनके साथ गए थे, आप टेस्ट कराए। तो दोनों बेटे चले गए टेस्ट कराने यहीं आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। आगरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वालों ने इनको बोला कि आप अपने परिवार को भी बुला लें, कहीं कोई ऐसी बात ना हो। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, वो हम सब गए तो नेक्स्ट डे उन्होंने बताया कि आपके 6 जने जो हैं, मेरे दोनों बेटे, मैं, मेरी वाइफ, मैं तो सर 73 ईयर ओल्ड हूँ, मेरी वाइफ और मेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रैंडसन, वो 16 साल का है। तो हम 6 का उन्होंने पॉजिटिव बताया तो उन्होंने ओह कहा माय आपको गॉड। दिल्ली ले जाना है जी। हम सर डरे नहीं, हमने ठीक है अच्छा पता लग गया, हम लोग दिल्ली वहाँ चले गए सफदरजंग हॉस्पिटल। ये आगरे वालों ने भेजा, उन्होंने दो हमको एम्बुलेंस दी, कोई चार्ज नहीं किया। इनकी बड़ी मेहरबानी है आगरे के डॉक्टर्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और पूरा इन्होंने हमें सहयोग किया। एम्बुलेंस से आए आप? हाँ जी एम्बुलेंस से ठीक ठाक थे, बैठ के जैसे एज यूजल बैठ के आते हैं। हमको उन्होंने दो एम्बुलेंस दे दी, संग में डॉक्टर भी थे, और हमको इन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल छोड़ दिया। सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने ऑलरेडी, वो खड़े थे वहाँ पर गेट पे, तो उन्होंने हमको जो वार्ड था वहाँ हमको उन्होंने शिफ्ट कर दिया। हम 6 को उन्होंने अलग अलग रूम दिया, अच्छे रूम थे सब कुछ था। तो सर हम फिर 14 दिन वहाँ हॉस्पिटल में अकेले रहते थे, और डॉक्टरों का जहाँ तक बात है बहुत सहयोग रहा जी, बड़ा अच्छा हमको उन्होंने ट्रीट किया, चाहे स्टाफ हो। वो एक्चुअली वो अपनी ड्रेस पहन के आते थे ना सर, पता नहीं चलता था कि ये डॉक्टर है या वार्ड बॉय है या नर्स है, वो जो कहते थे हम मान लेते थे। बहरहाल हमको किसी तरह की भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई जी। आपका आत्मविश्वास भी बड़ा मजबूत दिखता है। सर आई एम परफेक्ट। हाँ जी, और हाँ मैंने तो बल्कि सर अपने घुटनों का भी ऑपरेशन कराया हुआ है, इवन देन हाँ आई एम परफेक्ट। नहीं, लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सबको आ गया और 16 साल के बच्चे तक पहुंच गया। तो पेपर था सर, आईसीएसई के पेपर थे ना, तो उसका पेपर था, हमने नहीं दिए पेपर, हमने देखी जाएगी बाद में, ये तो जिंदगी रहेगी तो सब पेपर हो जाएगी, बस सही कोई बात बात नहीं है। है। हाँ जी चलिए आपका अनुभव इसमें काम आया, पूरे परिवार को विश्वास भी दिलाया, हिम्मत भी दिलाई। जी हमने पूरे परिवार को गए, एक दूसरे का वहाँ सहारा रहा, मिलते नहीं थे, फोन पे बात कर लेते थे, मिलते मिलते नहीं थे। और डॉक्टरों ने पूरी हमारी केयर की जितनी होनी चाहिए, हम उनके आभारी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ किया। और स्टाफ नर्सेज जो थी उन्होंने पूरा हमको सहयोग दिया है सर। चलिए मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू जी, चलिए धन्यवाद सर। हम तो बड़े धन्यवाद। बड़े खुश हैं कि हाँ आपसे मेरी बात हो गई है। नहीं, तो हम भी उसके जो बाद भी सर हमारे लिए कोई किसी तरह की मतलब अवेयरनेस के लिए कि जाना हो, कुछ करना हो, हम हर वक्त तैयार हैं। नहीं, आप तो अपने तरीके से आगरा में करिए, जी कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाइए, बिल्कुल गरीब बिल्कुल की जी चिंता कीजिए और नियमों का लोग पालन करें। लोगों को समझाइए कि आपका परिवार इस बीमारी में फंसा था, लेकिन आपने नियमों का पालन करके अपने परिवार को बचाया। सब लोग अगर नियमों का पालन करें तो देश बच जाएगा। हमने सर, मोदी सर, कि हमने वाला वीडियो वगैरह ही बना के ना चैनल्स में दिया है, अच्छा। इसलिए कि लोगों में अवेयरनेस रहे, और चैनल वालों ने दिखाया भी है। हाँ, सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर करना चाहिए।
जी, और हाँ जी हमने अपनी कॉलोनी में जहाँ रहते हैं, साफ हाँ सुथरी कॉलोनी है, हाँ सबको हमने कह दिया, देखो जी हम आ गए हैं तो आप डरे नहीं, कभी हाँ कोई प्रॉब्लम है जाके हाँ टेस्ट कराए। हाँ और जो लोग हमारे संग जो मिले होंगे या जो सब टेस्ट कराए, सब ईश्वर की दया से ठीक रहे। जी सर, चलिए, बहुत शुभकामनाएं सबको। साथियों, हम अशोक जी और उनके परिवार की दीर्घायु की कामना करते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि पैनिक हुए बिना, डरे बिना, समय पर सही कदम उठाना, समय पर डॉक्टरों से संपर्क करना और उचित सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं।